नमस्कार, सुबह की बात सुनो सरकार में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इस बुलेटिन की शुरुआत हम गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के जवानों की शहादत के साथ, सलाम के साथ हम इस खबर की शुरुआत करेंगे, इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उसके अलावा लोजपा में जो घमासान चल रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर मौसम ने जिस तरीके से करवट ली है उसकी भी चर्चा करेंगे। बाढ़, जैसे ही बारिश होती है तो बाढ़ का भी मौसम कहीं ना कहीं बिहार को सताने लगता है, बाढ़ की क्या स्थिति है, इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हम करते हैं गलवान घाटी में शहीद हुए हमारे बिहार रेजिमेंट के जवान के शहादत पर। दानापुर से ये खबर है, शहीद के परिवार क्या सोचते हैं, क्योंकि आज ही के दिन चीन के साथ आमने सामने देर रात झड़प हुई थी जिसमें कई भारतीय जवान शहीद हुए थे बिहार रेजिमेंट के, उसमें 5 बिहार के रहने वाले थे। उस झड़प में शहीद हुए जवान के परिजन क्या कहते हैं, जरा आप भी सुनिए। उससे जुड़े हुए उनके परिवार के लोग हैं, वो किस तरीके से उस जवान को याद करते हैं, जरा आप भी सुनिए। सुनील कुमार की वाइफ सरकार ने जो वादे किए थे उसमें से स्मारक बनाने वाला वादा पूरा नहीं हुआ। उसके लिए बहुत कोशिश किए हम लोग, आगे तक गए भैया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सब लोग हाँ हाँ करके और कोई ये नहीं करते हैं। वादा कौन किया था? वादा विधायक हो या सुशील कुमार मोदी जी आए थे, जो भी नेतागण उस समय आए, विधायक आए, वो सब लोगों ने वादा किया कि हम स्मारक बनेगा इनका। किसी ने पूरा नहीं किया। चाहती क्या है? बस स्मारक बने उनका। बने। और भी सरकार की तरफ से जो मदद मिलता है सारा जो है पूरा हुआ? वो सब मिल गया है। तो स्मारक बनाने का विचार किया जाए और बनना चाहिए उनका स्मारक, जैसे सब लोग को प्रेरणा मिले। आप क्या कहेंगे, देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया है, आपके बच्चे भी हैं, तो किस तरह से बच्चों को बनाना चाहेंगे? बच्चे को क्या बनाना चाहती हैं? बच्चे को तो अफसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी जिस लाइन में आगे बढ़ना चाहे पढ़ना चाहे वो लाइन में पढ़ाएंगे बनाएंगे। उन्होंने भी सोचा होगा कि हमारे बच्चे क्या बनेंगे? हाँ, उन्होंने तो सोचा था कि बहुत बड़े स्कूल में सबका नाम लिखाएंगे करेंगे, लेकिन हमने बहुत कोशिश की स्कूल में संत माइकल में नाम लिखाने की, लेकिन नहीं हुआ। और उन्होंने सोचा था हमारे बच्चे क्या बनेंगे आगे बड़े होकर? तो हर कोई सोचता है, लेकिन अब बच्चे पर डिपेंड करता है, बच्चे किस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं। जी हाँ, शहीद पर शहादत आपने सुना कि किस तरीके से उसके परिवार के बच्चे का एडमिशन नहीं हो सका है, बड़े बड़े वादे किए गए लेकिन उस वादों का क्या हुआ वो आपने सुना। चलिए अब हम दूसरी खबर पर बात करते हैं, चिराग की खामोशी का क्या मतलब है। जी हाँ, मतलब सामने आ गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई और 24 घंटे लगभग 30 घंटे बाद एक्शन में आए चिराग और 5 सांसद को पार्टी से रुखसत कर दिया, मतलब 5 सांसद को उन्होंने हटा दिया है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। कहा यह जा रहा है पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से कि 80% राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इस बैठक में मौजूद थे और जो भी कार्रवाई हुई है सर्वसम्मति से, सभी सदस्यों की सहमति से ये कार्रवाई हुई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। लेकिन उससे इतर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि लोजपा कार्यालय में हंगामा हो रहा है और हंगामे में तोड़फोड़ की स्थिति है, तोड़फोड़ भी हुई है
पशुपति पारस के तस्वीरों को फाड़ा जा रहा है। हंगामा हो रहा, जरा इस तस्वीर को पहले देखिए और ये हंगामा क्यों हो रहा है, इसके लिए हम सीधे चलेंगे मरगूब आलम के पास और मरगूब आलम से जानना चाहेंगे कि आखिर लोजपा कार्यालय में पहुंचकर, जबकि लगातार ये खबरें आ रही थी कि हंगामा हो सकता है, पुलिस प्रशासन को भी सूचना जरूर रही होगी, ऐसे स्थिति में कैसे वो अंदर उपद्रवी तत्व पहुँच गए और पारस के का फोटो फाड़ना, हंगामा करना, कैसे ये सब चीज़ हुआ है, जरा ये समझने के लिए हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता मरगूब आलम के पास। मरगूब, ये स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई, जबकि पहले से ही ये कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा था कि चिराग के साथ जो युवा चेहरे हैं या युवा कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित हैं, ये खबरें आ रही थी लगातार, फिर भी पार्टी दफ्तर की सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। संतोष जी देखिए, 15 मिनट तक बहुत ही अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। लगभग 50 के संख्या में जो चिराग के समर्थक हैं, युवा हैं, जो फर्स्ट बिहार बिहार कार्यक्रम जुटे थे, वो यहाँ पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे बाहर में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेम प्लेट था उसका उन्होंने कालिख पोत दिया, क्योंकि वो दीवार था तो उसे वो नहीं तोड़ पाए। उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती कह सकते हैं जो मेन गेट है वो बंद था कल से ही। कल भी हम वहां पहुंचे थे, कल भी हमारी खबरें चली थी और वहां मेन गेट उसको जबरदस्ती खोलाया गया। उसके बाद खुलवाने के बाद ये अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद इन्होंने सभी जो कह सकते हैं कि पशुपति पारस के जितने भी पोस्टर थे सभी को उन्होंने फाड़ दिया, सभी पोस्टर पे इन्होंने कालिख पोत दिया और जम करके नारेबाजी करते हुए पूरे कह सकते हैं कि लोजपा कार्यालय में घूमे। जहां जहां भी चिराग पासवान, महबूब अली कैसर, मियां देवी, प्रिंस राज का पोस्टर दिखा दिया, उन सभी को उन्होंने फाड़ दिया और कालिख पोत दिया। उसके बाद वो लोग बाहर आ गए और बाहर आने के बाद वहां उन लोगों ने नारेबाजी किया है। नारेबाजी के बाद उन लोगों ने वहां पुतला भी फूका है और उन्होंने चेतावनी दी है कि जो भी चिराग पासवान का ससनीय है उसका यही हाल होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि उन लोगों ने कहा है कि जिस दिन भी लोजपा के पांचों सांसद पशुपति पारस के साथ यहाँ आने की कोशिश करेंगे उसका जमकर विरोध होगा, इस ऑफिस में उन्हें घुसने नहीं देंगे। तो बिल्कुल लगभग 20 मिनट तक अफरा तफरी की हालत बनी रही। फिलहाल अब पुलिस पहुंच गई है, फिलहाल वहां से सभी लोग निकल गए हैं, लेकिन जो हालात है वो हालात। आपसे हम एक सवाल करना चाहेंगे कि ये सारे लोजपा के कार्यकर्ता हैं, इनकी ये पहले से लोजपा कार्यालय में आते जाते रहते कि कहीं कुछ उपद्रवी तथ्यों का तो हाथ नहीं है? नहीं, इसमें संतोष जी, इसमें मैंने जो देखा, चूंकि मैं यहाँ भी मौजूद हूँ ठीक लोजपा कार्यालय के बाहर, और मैंने देखा लगभग 20 से ज्यादा जो लोग हैं वो लोजपा के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार फर्स्ट बिहार फर्स्ट कार्यक्रम में भी पटना में थे, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उन्हें देखा था। हाँ, उनके साथ कुछ अन्य लोग हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, वो लोजपा के कार्यकर्ता नहीं होंगे, लेकिन 20 से अधिक जो लड़के हैं वो लोजपा के कार्यकर्ता हैं। उन लोगों ने चिराग पासवान का पोस्टर लिया था और उसके बाद फिलहाल पूरी तरह से कह सकते हैं कि पोस्टर को उन्होंने फाड़ा, उसके बाद कालिख पोता, उसके बाद ये लोग वहां से निकल गए। तो फिलहाल पुलिस वहां पहुंची है, फिलहाल स्थिति समान है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो हालात बने वो बिल्कुल अफरा तफरी वाले हालात थे और जबरदस्ती अंदर घुस करके इन लोगों ने वहां कह सकते हैं कि चिराग पासवान के नाम पर वहां पोस्टर फाड़ा, उसके बाद उन लोगों ने कालिख पोता, उसके बाद वो लोग वहां से निकले। फिलहाल वहां सचिवालय थाने की पुलिस पहुंची है और फिलहाल अब हालात समान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मरगूब आलम लोजपा कार्यालय से मौजूद थे, जो कह रहे थे कि किस तरीके से तोड़फोड़ की घटना घटी है, पारस के और जितने सांसद हैं उनके जहां कहीं भी बैनर और पोस्टर लगे थे उसको फाड़ दिया गया है। जरा अब इस पर प्रतिक्रियाएं क्या आई है, जरा ये सुनिए कि कैसर सांसद जो हैं आपको ये किस तरीके से ये तस्वीर भी जरा देख लीजिए कि लोजपा कार्यालय में हाँ ये ब्रेकिंग आई है। तो कालिख पोटने की खबर पर हमने चर्चा भी कर ली है, अब अगली खबर पर चलते हैं कि सांसद कैसर क्या कह रहे हैं, जरा आप सुनिए, उसके बाद फिर आगे कुछ और प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा उन प्रतिक्रियाओं के बाद हम सीधे न्यूज रूम चलेंगे जहां हमारे साथ अशोक मिश्रा जी जुड़े रहेंगे। चिराग जी से हम लोग को और कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो पिछला जो बिहार का चुनाव हुआ उसमें उनका जरूर उनसे कमी हुई, उनसे ब्लंडर हुआ, उनसे गलती हुई। हम लोग के बार बार राय देने के बावजूद भी वो एनडीए में रहते हुए भी जदयू के खिलाफ उन्होंने काम किया, जिसका हम लोग मुखालफत कर रहे थे, हम लोग मना कर रहे थे कि मत कीजिए, ये एक मेन वजह हुआ। और मेन चीज़ वही था, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी रहा, कोरोना वायरस को लेकर कर भी और ज़्यादा गैप हो गया, तो ये सब वजह थी कि हम लोग चाहे कि कोई एक्सपीरियंस आदमी पारस जी की तरह बिहार में जो तजुर्बेकार आदमी है उनको नेतृत्व दिया जाए। वो उनका अपना इंटरनल मैटर है, उसका जो उनका आंतरिक मामला है और वो अपना
उसको अपना समझे, उसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। पशुपति पारस किसके बोल घटक है तो घटक में कब कौन क्या रहेगा यह वह दल तय करता है, न कि घटक दल के दूसरे दल तय। पारस जी आपने जो लोजपा है उसके बारे में लोजपा के बात से बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन का हिस्सा है और जो भी एनडीए के गठबंधन के दल है वह लोक जनशक्ति पार्टी का इंटरनल मामला है, पारिवारिक विवाद था, पारिवारिक विवाद बहुत आगे बढ़ चुका था। लोक जनशक्ति पार्टी तो पार्टी है, हम लोगों कोई दखलंदाजी नहीं है, कोई जेडीयू का भूमिका नहीं, हजारी ने भूमिका नहीं, कोई भूमिका नहीं था जेडीयू का। हम लोग ने कभी पार्टी को लोजपा को तोड़ने की कोशिश की, अपने निश्चित तौर पर पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी विधानसभा में चुनाव लड़ी, एक भी सीट नहीं जीती। लोग चाहता था कि एनडीए के पार्ट बनकर लोक जनशक्ति पार्टी लड़े, लेकिन चिराग पासवान के जीत के कारण ये नहीं हुआ। उसका रिजल्ट परिणाम आया कि एक भी सीट लोक जनशक्ति पार्टी ने, विवाद था। पार्टी में विश्वास करता हूँ और पार्टी आदरणीय संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद पार्टी सबसे बड़ी चीज होती है और इस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संसदीय दल के नेता चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा गया था। एक कम समय में उन्होंने हिम्मत दिखा करके लोक जनशक्ति पार्टी को पूरे बिहार में अपने लगभग 130 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ाने का काम किया और ज़ोरदार ढंग से पूरा बिहार में एलजेपी का प्रदर्शन रहा, जिसका नतीजा कि एनडीए को जदयू सहयोगी दल का सीट भी कम आया। इसके कारण एलजेपी को लोकप्रियता को देख करके बहुत सारे लोग घबराए हुए थे और एम केन प्रकरण करके एलजेपी को कमजोर करने की। चलिए चार बयान अलग अलग तरीके से जरा इनको समझिए। कैसर सांसद क्या कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हम लोग सब कुछ ठीक ठाक था, चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव में जो ये फैसला चिराग लिए, चिराग से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, कोई और बात नहीं है, लेकिन वो लड़ने का जो उनका फैसला था उससे एनडीए को नुकसान हुआ, इसलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया। संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कल जिस उत्साह के साथ या जिस तरीके से प्रेम रंजन पटेल कह गए कि चिराग ने जैसा किया वैसा होगा, आज उस तरीके के बयान से बीजेपी साफ बचती हुई दिखी। संजय जायसवाल ये कहे कि उनका आंदोलनी मामला है और सभी लोजपा हमारे साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, लोजपा के अंदर जो भी विवाद है वो उनका अपना खुद का विवाद है, उससे पार्टी हमें कुछ भी नहीं लेना है। जो लोजपा में हैं, चाहे चिराग हों चाहे जो चिराग से अलग आए हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं, मतलब। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिस अंदाज से उन्होंने कहा है, चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। संजय सिंह का आपने बयान सुना, संजय सिंह ने कह दिया कि ये पारिवारिक मामला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चलते चलते उन्होंने ये जरूर कह दिया कि उनका जो ये निर्णय था जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का, उससे पार्टी के तमाम नेता नाखुश थे और इसलिए ये स्थिति बनी। मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये बातें सामने आ गई हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे जदयू के खिलाफ जो चुनावी मैदान में उतरे थे, उनके चुनाव लड़े, उसकी वजह से हुआ है। चलिए हमारे साथ अशोक मिश्रा जी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। अशोक जी, इस पूरे प्रकरण पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाना, 5 सांसद को निष्कासित करना, अशरफ का कहना कि 80% कार्यकारिणी के तमाम सदस्य यहाँ इस वर्चुअल मीटिंग में मौजूद थे, अब जिस तरीके से लोजपा कार्यालय पर अब हमला हो रहा है, लोजपा कार्यालय पर पारस के खिलाफ लोग सड़क पर उतर रहे हैं, जबकि सरकार और बाकी चीज़ों के की बात करें तो उसमें पारस अभी भी काफ़ी मजबूत है, कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, बयान इस तरह से आने लगे हैं कि नहीं, रामविलास जी अपने रहते हुए चिराग को उत्तराधिकारी नियुक्त किए हैं, हम लोग चिराग के साथ हैं। अब लोजपा के अंदर ही कह सकते हैं कि चिराग वर्सेस पारस जो स्थिति बनती जा रही है, क्या लगता है बिहार में आने वाले समय में क्या हो सकता है? संतोष जी, इसके पहले हम अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहते हैं कि चिराग पासवान ने इमोशनल कार्ड पहले खेला, कल जिस तरह से 5 सांसदों ने बगावत की,
तो चिराग पासवान सबसे पहले अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के पास गए, उन्हीं के द्वारा ये खबर फैलाई गई कि उन्हें पारस के आवास में एंट्री नहीं दिया गया, 15 मिनट तक वो बाहर रहे। उसके बाद प्रिंस राज से उन्होंने बात करने की कोशिश की, बात नहीं हो पाई। आज एक पत्र चिराग पासवान का वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने अपने चाचा को पत्र लिखा है और कहा है कि राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन हमें और प्रिंस राज और पारस जी के लड़के यानी कि सुमन को आपकी जरूरत है, एक चाचा की जरूरत है। इसके तुरंत बाद चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लेने की बात कही गई है और पांचों सांसद जिसमें उनके चाचा और उनके चचेरे भाई प्रिंस राज दोनों हैं उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। निश्चित रूप से चिराग पासवान अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं और उनका जो यह एक्शन है यह साफ जाहिर करता है कि वो किसी भी शर्त पर अब मानने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि अब समझौता के मूड में नहीं है। और उनके उधर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और इधर लोजपा के प्रदेश कार्यालय में चिराग के समर्थकों का हमला होता है। निश्चित रूप से एक रणनीति की तरह यह बात हो रही है कि चिराग पासवान यह संदेश देना चाहते हैं कि वो कमजोर नहीं है और जमीन पर भी उनके समर्थक मौजूद हैं और जो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है यानी 16 राज्यों में जो लोजपा दावा करती है कि हमारी इकाई है उसके अधिकांश सदस्य हमारे साथ हैं, यह उन्होंने साफ कर दिया है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा और पार्टी का दो गुटों में बंटना तय है। लेकिन अब सवाल यह है कि पशुपति कुमार पारस और उनकी कंपनी क्या करती है। पारस ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का ऐलान किया है, उन्होंने इसकी जवाबदेही जैसे कि खबरें आ रही है कि सूरजभान को दिया है, चूंकि सूरजभान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं तो ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों विवादित हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुलाने का आग्रह किया गया है। लेकिन अब चिराग पासवान के इस एक्शन के बाद पशुपति कुमार पारस और उनके समर्थक कौन सा रुख अख्तियार करते हैं यह देखना बाकी है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि लोजपा का यह घमासान अब सड़कों पर दिखेगा। आज अगर चिराग के समर्थक पशुपति कुमार पारस के खिलाफ जाते हैं या उनके समर्थकों के खिलाफ जाते हैं तो कल उनके समर्थक भी चिराग के खिलाफ उतरेंगे और निश्चित रूप से यह दिलचस्प मोड़ पर आ गया है लोजपा का यह ड्रामा। अब देखना यह है कि चिराग पासवान किस तरह से एक्शन लेते हैं। अब हम अभी उन्होंने सांसदों को निकाला है, फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रिंस राज, उनके खिलाफ में चिराग पासवान की क्या कार्रवाई होती है, फिर प्रिंस राज के समर्थक जो हैं जो जिला अध्यक्ष हैं या प्रदेश कार्यकारिणी के समर्थक हैं उनके साथ चिराग पासवान का क्या एक्शन होता है, इन सबों पर गौर करना जरूरी है। अशोक जी एक और सवाल आपसे, जिस तरीके से कल बीजेपी के प्रेम रंजन पटेल का बयान आया था वो सीधे सीधे तौर पर जिस अंदाज में जदयू के आरसीपी बोल रहे थे ठीक उसी अंदाज में प्रेम रंजन पटेल की भी प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन पहली बार प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान आया है और उनके चेहरे का जो भाव था जिस अंदाज में वो जवाब दे रहे थे, क्या लगता है कि बीजेपी जो चीज़ें दिख रही थी कि बीजेपी जो कुछ भी एलजेपी में हुआ है उसको अपने आप में उस वो इस परिस्थिति से बचने की कोशिश कर रहा है कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, एक सवाल। दूसरी ये कि चिराग अगर एनडीए के साथ लोजपा है इसमें चिराग सबसे बड़ी कड़ी है, जो ये 5 सांसद हैं वो नीतीश के प्रति वफादार हैं ये दिखते हैं, अभी कैसर ने भी बोला कि जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ लिए ये निर्णय उनका बहुत गलत था और इसको लेकर पार्टी के अंदर द्वंद्व थी और उसी द्वंद्व में ये निर्णय लिया गया है। बीजेपी के लिए कितना मुश्किल है इस घड़ी में जब एक वफादार साथी अकेले हैं और जो साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं, नीतीश कुमार अब मजबूती के साथ 16 और 5 इनको भी जोड़ दीजिए, उतनी मजबूती के साथ आप हक या हक का मतलब अपनी हकदारी दिखाएंगे, क्या लगता है कि आने वाले समय में इस जो लोजपा में टूट हुई है उसका बीजेपी और जदयू के बीच के रिश्ते में कितना फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए संतोष जी सबसे बड़ी बात है कि जो खबरें आ रही हैं वो खबरें कितनी सच हैं इस पर हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन कहा जा रहा है जदयू के समर्थकों के द्वारा यह फैलाया जा रहा है कि यह जो टूट हुई है लोजपा में इसमें बीजेपी नेताओं का भी समर्थन लिया गया है। कुछ खबरें तो ऐसी चलाई जा रही हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि जिस समय लोजपा के 5 सांसद लोकसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला से मिलने के लिए गए थे उस समय बीजेपी के 2
बड़े नेता बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव भी वहां मौजूद थे। हालांकि ओम प्रकाश बिरला के साथ सिर्फ 5 सांसदों के मिलने की ही तस्वीर जारी की गई है, लेकिन इसको लेकर के बीजेपी में भ्रम की स्थिति है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि बीजेपी में भी जो नीतीश विरोधी हैं और चिराग के चाहने वाले लोग हैं वो लगातार यह कह रहे हैं कि चिराग को स्टैंड करना चाहिए। वैसी परिस्थिति में बीजेपी में भी अंतर विरोध है और कई बीजेपी के नेता खुल करके समर्थन कर रहे हैं कि चिराग पासवान को समर्थन देना चाहिए बीजेपी को और चिराग पासवान को लड़ाई लड़नी चाहिए। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई है। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी की विश्वसनीयता कितनी कारगर है, क्योंकि चिराग पासवान बार बार अपने को हनुमान कहते थे नरेंद्र मोदी का, और उस हनुमान के साथ जो बर्ताव हो रहा है निश्चित रूप से बीजेपी को असहज करने वाली है। अब देखना यह है कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है इस मामले में क्या करता है। इसके पीछे दो रणनीति हो सकती है, एक तो मंत्रिमंडल के विस्तार को टाला जा सकता है। अभी 6 महीने तक मंत्रिमंडल का विस्तार, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार अगर ना हो तो फिर मंत्री बनने के भरोसे जो पारस आए हैं अलग गुट बना करके, तो उनको मुंह की खानी पड़ सकती है। और दूसरा है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इस मामले में बीच बचाव करें कि लोजपा एकजुट रहे। भले ही पारस संसदीय दल के नेता रहे, लेकिन लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी किसी दूसरे को दी जाए। जिस तरह से चिराग पासवान ने प्रस्ताव दिया है कि रीना पासवान को इसकी जवाबदेही देनी चाहिए, यह भविष्य के गर्त में है कि बीजेपी इसमें कितना इंटरफेयर करती है। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी के लिए अभी बहुत संक्रमण की स्थिति है। एक तरफ विश्वसनीयता उसकी कटघरे में है और दूसरी तरफ सत्ता जो नीतीश के साथ है वो सत्ता के साथ उसको खड़ा ना रहना है। तो ऐसे में बीजेपी को चुनना पड़ेगा कि अपने जो सहयोगी विश्वसनीय सहयोगी हैं उसके साथ उसे रहना है या सत्ता के साथ रहना है। बहुत धन्यवाद, हमारे साथ अशोक मिश्रा जी न्यूज रूम से जुड़े हुए थे। लेकिन सवाल देखिए, राजनीति इसी को कहते हैं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन इसी तरीके से राजनीति में, और इसका जो बेहतर कोऑर्डिनेशन करके जो परिणाम सामने लाए वही पॉलिटिशियन कहलाता है। संकट एक तरफ है कि चिराग कहते हैं कि हम अनुमान है, सर्वविदित है कि चिराग किसके इशारे पर चुनाव लड़ रहे थे, नीतीश को भी इसके वजह से नुकसान हुआ। लेकिन इन सब नुकसान के बीच एक बड़ी बात यह भी है, चिराग की वजह से ही 2014 में रामविलास पासवान एनडीए के साथ जुड़े थे। उस वक्त बिहार में बीजेपी अकेली थी, नीतीश अलग चुनाव लड़ रहे थे, राजद अलग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन रामविलास पासवान उनके साथ आए और एक बड़ी जीत हुई है उनकी बिहार में। और बाद के दिनों में भी वो लगातार मोदी और शाह से जुड़े रहे। लोग विधानसभा चुनाव के दौरान भी मोदी और शाह हमेशा ये कोशिश किए कि चिराग पर सीधे हमला न करें, और रामविलास जी के मौत के दौरान तो उन्होंने क्या रिश्ता था वो रिश्ता को दिखाने की भी कोशिश की। लेकिन ये राजनीति है, नीतीश ने जिस तरीके से पासा खेला है बिहार के मामले में, अगर हम बात करें तो बीजेपी अक्सर इस तरह की राजनीति में जब कभी घिरती है तो वो बैकफुट पर आ जाती है, और यही कारण है कि सत्ता के करीब होने के बावजूद वो कभी सत्तासीन जैसा महसूस न उसके कार्यकर्ता कर पा रहे हैं, न उनके नेता कर पा रहे हैं, न उनके सांसद और विधायक और मंत्री कर पा रहे हैं। वजह यही है कि वो सत्ता में भागीदारी को लेकर, या सत्ता को जो हमारा वोटर है या जो हमारे समर्थक हैं उनको लेकर हम अपना स्टैंड लें, जो इस बार ले रहे थे वो लव जिहाद के सहारे, पुलिस पर एक्शन को लेकर बीच बीच में सवाल खड़े कर रहे थे, सीधे सीधे नीतीश कुमार को इन सवालों के सहारे चुनौती दे रहे थे। लेकिन अब जो राजनीतिक एक सिचुएशन सामने आया है उसको लेकर बीजेपी के अंदर में इस तरह का द्वंद्व चला है कि आखिर हम किसके साथ खड़े हैं, क्योंकि इस टूट के बाद नीतीश और मजबूती के साथ बिहार में उभरे हैं। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बिहार में मानसून आया, मानसून को लेकर भी हम खबरें आपको दिखाएंगे, टीकाकरण को लेकर सकारात्मक कई चीजें सामने आई हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
धर्म, आस्था, विश्वास, समर्पण, विश्व का कण कण शिव में, भक्ति और शक्ति का संगम, पवन सुत हनुमान अंजनी के नाम। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलिशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स, न्यू हाईकोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और बाढ़ ने दी दस्तक, एक समस्या से आप बाहर नहीं निकले, बिहार की यही त्रासदी है। अभी हम कोरोना से बाहर निकले नहीं, बारिश हुई, बाढ़ का खतरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बगहा की तस्वीर है। शहर में पानी, आसपास के इलाकों में पानी फैल गया है और गंडक नदी में लगातार जलस्तर बढ़ने की खबरें आ रही हैं। और उसका असर, अगर जलस्तर इसी तरीके से बढ़ती रही और बारिश होती रही, तो अभी तो जून का महीना है, जुलाई अगस्त और मिड सितंबर तक बचा हुआ है जिसमें भीषण बारिश होती है। बारिश की पहले झोंके में अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो अभी जो बच्चे आनंद ले रहे हैं, वो उस स्कूल के ऊपर से पानी बह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये दोनों तस्वीर, ये बगहा और नरकटियागंज की तस्वीर है, जो जहाँ जिन इलाकों में गंडक के अलावा जो पहाड़ी नदियाँ हैं, मतलब छोटी छोटी जो नदियाँ हैं, जो बरसाती नदियाँ जिसको कहते हैं, वो काफ़ी उफान पे हैं। और आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से गाँव में पानी घुस गया है। कई जगह बगहा के अगर के बात करें तो निचले इलाके में पानी घुस चुका है। बाढ़ प्रभावित इलाके में के लोगों का क्या कहना है, जरा जरा आप भी सुन लीजिए। बाढ़ के बाद हम जरा मानसून की भी बात कर लेते हैं। और मानसून की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले 24 घंटे में लगातार बारिश होगी, ऐसा फुरका येलो कह सकते हैं कि पूरा ये जारी हुआ है अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से सभी जिलों के लिए। बिहार के 3800 जिलों में बारिश होगी, ज़बरदस्त बारिश होगी, येलो जारी किया गया है। और इसके लिए जो खबरें आ रही हैं कि हर जिला के आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, और साथ ही साथ बाढ़ को लेकर जो तैयारी है, उस तैयारी को लेकर भी प्रशासनिक अधिकारियों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। लेकिन सबसे इतर हम चलते चलते एक गीत आपको सुनाते हैं बारिश को लेकर। हमें लगता है कि फिल्म में, इंडस्ट्री में इससे बेहतर कोई और गीत आप सुनने को नहीं मिला होगा। ठीक है, बारिश हुई है, परेशानी है, शहर में लोगों का चलना दुभर हुआ है, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी हो रहा है, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन बारिश हमें एक कह सकते हैं कि एक दूसरे तरीके दुनिया में जीने का भी एक अवसर देता है कि अपने तरीके से लोग जिए बारिश का आनंद, क्योंकि पहली बारिश है मानसून की। तो ज़रा इस गीत को सुनिए कि सिनेमाई जगत में बारिश को लेकर, मतलब बरसात को लेकर, इससे बेहतर और कोई गीत नहीं है। चलिए आप देखिए, जरा गीत सुनिए, फिर कल ठीक इसी समय हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।